गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ गाइस। तो अगर आप लोग 2023 में एक नए फोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए गाइस। आपके लिए एक जबरदस्त टेक न्यूज में लेके आया हूँ, और ये जो टेक न्यूज है वो उन सारे भाइयों के लिए है जो लोग 2023 में एक न्यू फोन लेना चाहते है। तो चलिए गाइस आज का टेक न्यूज हम शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कमेंट शेयर करते हुए जाना। तो ऐसे टेक न्यूज के लिए मैं हमेशा आप सभी लोगों के साथ हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। 25 दिसंबर को एक न्यू फोन लॉन्च होने वाला है। अगर आप लोग न्यू फोन लेना चाहते हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 2023 के पहले आप इस फोन को जरूर से जरूर परचेस कीजिए, क्योंकि ये फोन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन होगा। तो गाइस ये जो फोन है वो इन्फिनिक्स की तरफ से आता है। गाइस ये जो फोन है वो है इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा। ये जो जीरो अल्ट्रा का जो फोन है इन्फिनिक्स की तरफ से जो आता है, ये इन्फिनिक्स का क्या बताओ सबसे ज्यादा किलर फ्लैगशिप फोन है। और ये जो इन्फिनिक्स का जो जीरो अल्ट्रा जो फोन वो न्यू लॉन्च करने वाला है 25 दिसंबर को, ये क्या बताओ ऑल ओवर जितने भी सारे फोन है उन सब में एक बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन होने वाला है और सबसे ज्यादा किलर फ्लैगशिप फोन है। तो गाइस उसके कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो गाइस ये जो इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा जो फोन आता है इसमें सबसे ज्यादा जो क्या बताओ जो आपको सबसे अच्छा जो लगता है उसके अंदर वो है इन्फिनिक्स का सबसे जो चार्जर वो लोग दे रहा है इस फोन के साथ वो है 180 वाट का चार्जर। गाइस ठीक सुने आप, 180 वाट का चार्जर वो थंडर जो न्यू नेम आया है गाइस थंडर एडिशन 180 वाट का एक थंडर चार्जर वो दे रहा है। क्या बताओ गाइस बहुत ही बढ़िया चार्जर। और गाइस ये जो इन्फिनिक्स का जो डिस्प्ले आने वाला है जो जीरो अल्ट्रा का वो फुल्ली कर्व डिस्प्ले होगा। गाइस पहले आप सुनिए, 180 वाट का चार्जर और कर्व डिस्प्ले, और वो भी गाइस जो कर्व डिस्प्ले आता है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ और एमोलेड डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और फुल्ली कर्व डिस्प्ले। और इसके अंदर जो कैमरा देखने को मिलता है वो जो फोन कैमरा वो है 5-hole डिस्प्ले के साथ, और जो फोन कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का एक जबरदस्त कैमरा। हाँ इन्फिनिक्स का कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसका जो ऑप्टिमाइजेशन होता है जो उसके ओएस के साथ बहुत ही ज्यादा कैपेबल होता है गाइस। तो जो इसका जो बैक कैमरा है उसमें 200 MP गाइस 200 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। हाँ मालूम है गाइस आप लोगों में से कोई शायद ऐसे ही बोल रहा है यार 200 मेगापिक्सल क्या हुआ आईफोन के 12 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल से थोड़ा कम। हाँ पता है गाइस, पर आईफोन के तुलना तो हम इन्फिनिक्स से नहीं कर सकते। तो गाइस इन्फिनिक्स ने उसके अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा डलवा हुआ है। तो गाइस क्या मतलब कम बजट में इन्फिनिक्स एक अच्छा से अच्छा फोन लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। और इसका जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी का 920 प्रोसेसर, वो है 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस हुआ है। और गाइस इसमें इन्फिनिक्स का ओएस जो है वो है न्यू जनरेशन का ओएस, और एंड्रॉइड 12 इसके साथ आप देख सकते हैं, और डुअल 5G कनेक्टिविटी, डुअल 5 कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। और गाइस ये जो फोन है इसमें डॉल्बी एटमोस का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, इंच स्टीरियो स्पीकर। और गाइस ये जो फोन ये इन्फिनिक्स का क्या बताओ बहुत ही किलर फ्लैगशिप फोन होने वाला है। ये जो इन्फिनिक्स का जो फोन है जो जीरो अल्ट्रा जो फोन है उन्हें लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं 25 दिसंबर को, तो इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलता है 2 5G सिम आपको कनेक्टेड देखने को मिलता है, और वो 12 बैंड के साथ गाइस 12 बैंड सपोर्टेड 5G, यानी देखा जाए तो 12 5G बैंड आपको सपोर्ट करेगा इस फोन के अंदर। और ये जो फोन है एक फुल्ली 5G फोन। और गाइस इसका जो डिस्प्ले में जो मैंने बात की सिर्फ कार फोन की वजह से इसका जो गेमिंग या फिर आप अगर मल्टीटास्किंग या फिर वीडियो जो कुछ भी कर सकते हैं बहुत ही आपको एक अच्छा फील देगा। जो एमोलेड के साथ जो कर्व डिस्प्ले आता है वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, पर हेडफोन जैक आपको नहीं देखने को मिलता है, पर टाइप सी चार्जर और केबल आपको देखने को मिलेगा इन बॉक्स। तो गाइस देखा जाए तो ऑल ओवर फुल्ली एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इन्फिनिक्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए 25 दिसंबर तक। और इसके साथ एक ही वेराइंट आपको देखने को मिलेगा वो है 8GB 156GB और 156GB आपको देखने को मिलेगा एक ही वेरियंट। और
और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो दो कलर कॉम्बिनेशन, एक है व्हाइट और एक है ब्लैक, और जो व्हाइट और ब्लैक जो उन्होंने लॉन्च करेंगे उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा उसके साथ। और गाइस मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ, वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। और गाइस अगर ये फोन आपको चाहिए 25 दिसंबर तक वेट कर लीजिए। और गाइस इस फोन की जो बजट होने वाला है वो है 30,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, 30,000 के अराउंड 30,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से ऑल ओवर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर के साथ ये फोन आता है, चार्जर 180 वाट और कर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ, और डुअल 5G कनेक्टिविटी, 12 5G बैंड आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, 200 MP का रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा 32। ऑल ओवर देखा जाए तो एक फुल्ली पटाखा है गाइस। मेरे हिसाब से प्रोसेसर अगर थोड़ा सा और बेहतर होता, 920 की जगह जो रियलमी ने जो रिसेंटली जो मीडियाटेक का जो न्यू प्रोसेसर उन्होंने डाला है अपने फोन के अंदर, जो 10 प्रो प्लस के अंदर जो 1050 का एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर, मेरे हिसाब से अगर वो प्रोसेसर इसके अंदर होता तो अच्छा होता। पर मेरे हिसाब से 920 और 150 के अंदर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पर 920 भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है इस फोन के साथ। तो ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं सभी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो चलिए गाइस